हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का वीडियो है, हमारे पास ये 2 टन का एसी है और एक्चुअली इसका कंप्रेसर जल गया था और इसका कंप्रेसर हम बाद में रिप्लेस करेंगे। और इससे पहले हम इसका कैपर ही क्लीन करेंगे बिना न्यू कंप्लीट डाले हुए, और इसका कंडेंसर भी क्लीन करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे पूरा। और वीडियो के साथ में बने रहिए, देखते रहिए हम किस तरह से इस कैपिलरी को क्लीन करते हैं बिना चेंज करे हुए। तो देख सकते हैं कैपिलरी है, इसको क्लीन करेंगे तो इसका मेथड बताएंगे। ये कैपिलरी इधर से होते हुए ये डिस्चार्ज लाइन में आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको फ्लैशिंग करेंगे। तो हम फ्लैशिंग कैनिस्टर से करेंगे, तो देखते रहिए। ये हमारा फ्लैशिंग कैनिस्टर है और इसमें हम अभी आधा लीटर सीटी से डालेंगे। हाफ लीटर के करीब डालेंगे इसमें। तो कैनिस्टर का पाइप लग गया है, उसका एक दूसरा एंड यहाँ पे लगाएंगे एसी का डिस्चार्ज लाइन पे। और दूसरा एंड ये हमारे पास एक कंप्रेसर है फ्लैशिंग के लिए, उस पर लगाएंगे। फिट हो गया है। और ये जो कंडेंसर का आखिरी एंड है, ये जो कंप्रेसर पे आता है, इसमें हम एक बॉटल लगाएंगे तो सीटीसी पूरा उसमें आएगा। तो जो भी है फ्लशिंग का डस्ट जो भी है उसमें आएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये फिल्टर है और एक कैपिलरी है, और जो सीटीसी इसमें से होते हुए डिस्चार्ज लाइन से होते हुए इधर जाएगा, इस तरह से होते हुए ये पूरा क्लीन करते हुए। और जो फिल्टर में कोई कचरा रहेगा वो भी रिवर्स कंडेंसर में चला जाएगा और वहाँ से आउट हो जाएगा। तो अभी कंप्रेसर चालू करते हैं, कंप्रेसर ऑन करते हैं, अभी थोड़ी देर इसमें प्रेशर आने के बाद इसको फिर हम ओपन करेंगे। ऑन करिए, देख सकते हैं कितना ऑयल निकल रहा है इसमें से। तो पूरा आधा लीटर करीब बाहर आ गया। सेम प्रोसेस दोबारा करते हैं, बंद कर दीजिए कंप्रेसर, फिर से एक आधा लीटर डालते हैं, दो बार करेंगे फ्लशिंग। इससे क्या होगा, आपका कैपिलरी भी पूरा क्लीन हो जाएगा, बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं पहला राउंड में कितना आया है पीला पीला ऑयल, फिर से दोबारा डालते हैं अभी। ये वाला फेंक देते हैं, फिट कर दे रहे हैं।
इसको निकाल के ये फिर बॉटल खाली करके रख दिए हैं। फिर इसका कंप्रेसर ऑन करते हैं। थोड़ा प्रेशर क्रिएट होने देते हैं उसका, फिर वाल्व खोलते हैं इसका। खोलिए वाल्व। थोड़ा साफ हो गया है, दो बार काफ़ी हो जाता है। और इसे हम 2 मिनट चलने देंगे, अंदर पूरा ड्राई हो जाएगा CTC। ऑफ करके फिर छोड़ते हैं। तो इससे काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं पॉज करके फिर आपको फिर बताता हूँ फाइनल। हमने 3-4 मिनट चलाया था इसको, पूरा सिस्टम साफ हो गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बिना कैपलरी चेंज किए हुए उसी को क्लीन कर सकते हैं। दो भी काम हो जाएगा, कैपलरी भी क्लीन हो जाएगा और फिल्टर भी क्लीन हो जाएगा और कंडेंसर भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैनिस्टर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।